ये आप लोग सबको जान पहचाना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर आप लोग राउरकेला में रहते हैं और यहाँ कभी ना आए हैं। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पेट्रोल पंप है ये। ज़्यादा आप लोग को यहाँ नहीं दिखाऊंगा, एकदम छोटा सा ही जो है ब्लॉग रहेगा, बस जानकारी से भरा हुआ, कुछ खास नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप में वैसा भी कुछ खास दिखाने लायक होता नहीं है। गाइस वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? दिल से उम्मीद है, दिल से दुआ है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरा पीछे ही ये छोटा सा एक जंगल टाइप का दिख रहा होगा, देखिए आप लोग को, लेकिन इसका पीछे जो है पेट्रोल पंप है। और थंबनेल में भी आप लोग देखें कि पेट्रोल पंप है, और जो आप लोग अभी थंबनेल में पढ़े हैं वो एकदम 100% सही है। रात को राउरकेला में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रात को 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप खुला है, लेकिन छेंड में, छेंड का जो पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत पुराना है। यहाँ अभी 3-4 दिन ही हुआ है, करीब स्टार्ट हुआ है शायद। तो रात को यानी कि 10, 11, 12, 1, 2 कभी भी आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग को पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा। राउरकेला से बिलोंग करते हैं तो अब आप लोग को रात में कहीं जाने आने के लिए या फिर तेल का टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दुकान, कोई बाज़ार आप लोग को जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आप लोग आ जाइए पेट्रोल पंप और आप लोग को तेल मिल ही जाएगा। गाइस अभी जो है एक भाई से मेरा बात हुआ तो वो बोले कि अभी जो है मतलब एक ही मशीन, मतलब जो मशीन होता है ना, एक ही मशीन अभी ऑन है और रात में एक ही मशीन अभी आएगा। जैसे जैसे रात का सेल बढ़ेगा, अगर रात का सेल बढ़ेगा तो वैसे वैसे वो लोग एम्प्लॉय भी अपना बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा जो है पेट्रोल पंप का दिखाया नहीं, पेट्रोल पंप तो हर कोई जानता है, हर कोई जाते ही है, डेली जाते होंगे आप लोग या फिर महीना में एक बार या दो बार कभी भी, तो इसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन जो जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ब्लॉग भी जो है एकदम बहुत छोटा बनाया हूँ मैं, सिर्फ एक जानकारी देने के लिए। मेरे को कहीं से पता चला तो मैं सोचा कि ये जो जानकारी है सबको, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सबको ये जानकारी होना चाहिए, इसी के लिए मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना करके आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर करना ताकि सबको ये चीज़ पता चले, सबके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगा। आज का वीडियो में बस कुछ खास नहीं और कुछ दिखाना नहीं है, बस एक ही चीज़ बताना था कि रात को अब पेट्रोल पंप खुल चुका है सबके लिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इतना जानकारी वाला ब्लॉग है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ कुछ दिन बाद एक और नया प्लेस, एक और नया ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।